अमित शाह के बेटे जय शाह के बाद अब कांग्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल के बेटे शौर्य दोवल के एनजीओ इंडिया फाउंडेशन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि शौर्य दोवल के एनजीओ में मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री, प्रसार भारती के चेयरमैन और बीजेपी के महासचिव राम माधव डायरेक्टर हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बेटे शौर्य डोवाल की एनजीओ इंडिया फाउंडेशन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि शौर्य डोवाल की एनजीओ में मोदी सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री डायरेक्टर हैं और उसके साथ ही प्रसार भारती के चेयरमैन और बीजेपी के महासचिव राम माधव। दरअसल शौर्य डोवाल की कंपनी जेमिनी इंटरप्राइजेस थी, इससे पहले उसके बाद जिसके चेयरमैन सऊदी के प्रिंस को बनाया गया और शौर्य डोवाल उसमें शेयर होल्डर हैं। उस कंपनी की फंडिंग को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं और इसके साथ ही आरोप लगाया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब यूपीए के दौरान सोनिया गांधी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल खड़े हुए थे तो सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। ये उदाहरण देते हुए कांग्रेस ने मांग की है कि अब मोदी सरकार अपने 4 मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे क्योंकि यहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। कांग्रेस ने एक उदाहरण और भी दिया कि इंदिरा जयसिंह की एनजीओ या तीस्ता सिलवाड़ की एनजीओ में अगर यूपीए कोई मंत्री डायरेक्टर होता तो आज जो लोग खिचड़ी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आ जाते। कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि अगर इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोर्ट जाने के संकेत भी दिए हैं। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।